सो जैसे आपको पता है क्या, न्यू सीजन आ चुका है आज सुबह सुबह, और हाँ न्यू अपडेट का कोई पता नहीं है, सच बता रहा हूँ। अब जब आएगा वो तब आएगा, फिलहाल अपने को रैंक पुश करना है, लेकिन कैसे करना है, स्ट्रैटेजी क्या होगी, और जो 6 घंटे का सिस्टम है वो कैसे करना है मैनेज। और कल वाली वीडियो में बताया था गाइस कि आपके 6 घंटे जो है उसको कैसे प्रॉपर तरीके से यूज करना है, लाइक आप रैंक पुशिंग के लिए 6 घंटे कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि आप 6 घंटे ही खेल सकते हो मिनिमम एक दिन में। आज की वीडियो में गाइस बताने वाला हूं कि यार आप कैसी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे जिससे आपके 6 घंटे प्रॉपर तरीके से यूज हो जाए और आपका अच्छा से अच्छा प्लस निकले और आपका कॉन्करर भी हो जाए जल्दी से जल्दी। तो यार ये जो 6 घंटे वाला सिस्टम है ना उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, और हाँ ये बताऊंगा कि यार आप किल्स कैसे निकालना है, आपको जोन में एंट्री कैसे करनी। इस वाली वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हो और आपको बहुत सारी नॉलेज भी देने वाला हूं जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो न्यू सीजन आज आया है और आज के आज मैंने अच्छा खासा प्लस निकाल लिया है, और आपको भी पता है मैं लाइव स्ट्रीम पर रैंक पुश कर रहा था और कैसा मेरा मैचेस जा रहा था, टॉप 5 हर एक मैच गाइस कैसे जाना है वो आपको इस वीडियो में बताता हूं। और लाइव स्ट्रीम करके मैंने पूरा दिखाया गाइस कि कैसे मैं सर्वाइव कर रहा था, टॉप 5 मेरा हर एक मैच हो रहा था अच्छे खासे किल के साथ में। तो जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला है उसको फॉलो करो, आपका टॉप 5 यार इजी हो जाएगा, और लक अच्छा रहा तो चिकन डिनर भी। तो चलो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चैनल पर नए हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेट्स गो। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे और कैसा चल रहा है आपका रैंक पुश, क्योंकि सुबह सुबह न्यू सीजन आ चुका है, अपडेट नहीं आया, अपडेट जब आएगा तब आएगा। फिलहाल अभी रैंक पुश नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कुछ लोगों के माइंड में यार 6 घंटे कैसे, यार 6 घंटे में कैसे कॉन्कर होगा, राइट। तो देखो गाइस कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं, आपको जो 6 घंटे ना उसको कैसे यूज करना है प्रॉपर तरीके से मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, बट आज फिर बता देता हूँ शॉर्ट में। तो देखो गाइस आपको 2 आईडी लगेगी, 1 आईडी पे आपको ट्रेनिंग वगैरह करना है, लाइक ट्रेनिंग ग्राउंड पे आप बकचोदी जो भी करते हो फ्रेंड लोग के साथ में लॉन बैठ के वो सब चीजें 2nd आईडी में करनी है, जो आपको सिर्फ ऐसे 6 घंटे लाइक ऐसे टाइम पास के लिए आपको रखनी है प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। और जब आपका रैंक पुशिंग का जब हाथ बैठ जाएगा उसके बाद में आपको मेन आईडी लॉगिन करनी है, उस पर रैंक पुश करना है सीरियसली। और हाँ जो स्ट्रैटेजी होगी अब उसकी बात कर लेगा, जो स्ट्रैटेजी की बात कर लेगा। तो देखो आपको लोग का टीयर ऑलमोस्ट प्लैटिनम या फिर गोल्ड चल रहा होगा, राइट। तो यार अब देखो गाइस क्या करना है कि आपका जो टीयर है वो थोड़ा लो है, तो यहाँ पे आपको डर के नहीं खेलना है और इतना भी घुस घुस के नहीं खेलना है, आपको बस नॉर्मली खेलना है। जैसे कि आपने कहीं भी लैंड किया तो डरना नहीं है, बंदे आसपास हैं, लूट करो और फाइट अगर हो जाती तो फाइट करो, अगर बंदा पुश करता है तो करो, वहां पे आपको घुसने की जरूरत नहीं है। और थर्ड पार्टी करने की कोशिश करो, मिडल रेंज में फील निकालने की कोशिश करो, क्लोज रेंज थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि यार अपने को प्लस के लिए खेलना है और 6 घंटे ही अपने पास, तो इतना भी डरना नहीं है, ताकि आपका गेम अगर जो आप वहां पे बंदे को मार सकते हो तो वहां पे भी आप मार ही ना पाओ बंदे को, तो इतना डरना नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात गाइस ये कि आपके पास जो 6 घंटे ना वो 6 घंटे में से 2 घंटे आपने स्पेंड किया गेम में, आपका अच्छा प्लस गया हो या फिर माइनस गया हो, आपका गेम कैसा भी गया हो, 2 घंटे स्पेंड करने बाद में आपको गैप लेना अच्छा खासा, जब आपका माइंड शांत हो जाए उसके बाद में फिर से आना है, कम बैक करना है, फिर 2 घंटे स्पेंड करना है, फिर गैप लेना है अच्छा खासा, गैप लो, फिर माइंड जब शांत हो जाए खा पी के एकदम रेस्ट करके आओ, उसके बाद फिर रैंक पुश करो, क्योंकि देखो 3 राउंड मारोगे ना दो घंटे आप स्पेंड करोगे ना गाइस, और बीच में अच्छा खासा गैप लोगे ना, तो आपका अच्छा से अच्छा ही प्लस निकलेगा और अच्छा गेम भी जाएगा, गेम अच्छा जाएगा तो अच्छा लगेगा और पॉइंट भी बढ़ते रहेंगे और कॉन्करर भी आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा, सभी का सिमिलर है 6 घंटे सभी का है, तो इतना लोड मत लो कि 6 घंटे में कॉन्कर नहीं होगा, तो वो हो जाएगा, बस इसको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा 6 घंटे वाली रूटीन को। अब मेरी स्ट्रैटेजी गाइस कैसी है कि मैं कहीं भी जंप किया, लाइक कोचिंग में जंप किया, आसपास के जो बंदे थे उनसे मेरी फाइट हुई थोड़ी बहुत, मैंने किल्स निकाल लिए, उसके बाद से मैं होल्ड कर लेता हूँ, लूट कंप्लीट कर लिया, होल्ड कर लेता हूँ, वेट करता हूँ जोन के बैक टू बैक बनने के, जोन जैसे जैसे जाता है उस हिसाब से मैं जोन के अंदर एंट्री करने लग जाता हूँ। ऐसे कुछ आपको भी करना है, स्ट्रैटेजी आपकी कुछ ऐसी होगी, जोन में एंट्री तब करो जब आपको लगे कि हाँ आप यार जोन में एंट्री कर लेना चाहिए, बंदे भी थोड़े कम लाए हुए, अगर जो मैं मरता हूँ तो ज़्यादा माइनस नहीं होगा, प्लस में ही जाऊँगा अपन, लाइक अपने को प्लस से मतलब है, तो उस हिसाब से आपको जोन में एंट्री करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। अब देखो कितना लेट में जोन में एंट्री करता हूँ, अब जोन में एंट्री कर रहा हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा लेट गाइस, 20 बंदे अलावे 5 किल्स हो चुके हैं, अब मुझे टॉप 10 ट्राई करना है, उसके बाद में टॉप 5, फिर उसके बाद चिकन डिनर के लिए खेलना है, तो उस हिसाब से अब यहाँ पे देखो गाइस एक बंदा है तो ये फ्री का किल है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आसपास देखो, अगर जो मौका मिल रहा है तो भाई ले लो स्प्रे और एक किल ले लो अपने खाते में, तो यहाँ पे यार मुझे लगता है स्प्रे लेना चाहिए और लेता हूँ, और इस वाले बंदे को मार के एक किल निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पे 18 अलाइव है और 6 किल हो चुके, जोन देख रहे हो गाइस कितना छोटा हो चुका है, अब इस हिसाब से मुझे जोन के मिड में जाके पोजीशन निकालने की कोशिश करना है, देखना है कि कोई कंपाउंड खाली है तो वहाँ पे बस पोजीशन ले लो, क्योंकि इस जोन में अगर जो पोजीशन निकाल लिया ना तो उसके बाद में जो भी जोन बनता है वो काफ़ी छोटा रहता है, आप 1-2-1-2 कर करके छोटा मोटा कवर ले लेकर आप जोन के अंदर एंट्री करते जाओगे, तो ऐसा रहता है कि ये वाले जोन में आपको कंपाउंड मिल गया एक बार तो भाई उसके बाद से आपको टॉप 10 इजी, टॉप 5 भी बहुत इजी है, और लक अच्छा रहता है चिकन डिनर भी, और किल्स भी देखो गाइस आगे कैसे निकलते। अभी सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा था मेरे लिए कि मेरे को एक कंपाउंड देखना चाहिए था, वो भी जोन के बीचों बीच, अगर जो जोन कहीं भी आसपास बनता है तो भी ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, तो मुझे लगता है ये वाला जो वेयरहाउस है यहाँ पे मुझे रुकना चाहिए, तो ये जो 2 कंपाउंड है यहाँ पे आता हूँ, लकीली यहाँ पे कोई बंदा नहीं रहता है, 1 राउंड मारो बंदा कोई नहीं है तो अच्छी बात है, ले लो पोजीशन, अदरवाइज फाइट लेनी पड़ सकती है,
तो यहाँ पे मैं फाइट भी ले लेता, मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ गाइस। रिस्क नहीं लोगे तो कैसे होगा। फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करूंगा और होल्ड करूंगा। अब काफी टाइम वेट करने के बाद में गाइस यहाँ पे 15 आया था, जोन बैक टू बैक बन रहा था। अब जोन एक बार फिर से स्टार्ट हो रहा था, बैक साइड से गाड़ी आ रही थी तो मैं इस साइड में आता हूँ किल निकालने के लिए। अभी साले बंदे को एक स्प्रे लेके निपटा लेता हूँ, एक किल और मिल चुका था, लेकिन गाइस यहाँ पे वर्टिकल नहीं थी इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। और बट ऐसे तैसे इस बंदे को निपटा देते, 7 किल हो चुके थे और जोन जो था गाइस वो अपने पे ही था। लग देख रहे हो गाइस, जोन का एडवांटेज तो अपना था बट अभी सर्वाइव देखना ये है कि कर पाते कि नहीं, अपन कहाँ तक कर पाते तो वो मैटर करने वाला था। और आसपास से कोई भी गाड़ी आती तो स्प्रे बिंदास लेना है। अब मैं सामने साइड में फोकस करके बैठा हुआ था, अब राइट से मेरे को स्प्रे आता है। अब ये बंदा बहुत ज्यादा पास में था, मैं सोचा कि यार मैं तो गया, लेकिन यार अपन लकली बच गए। अब ये पेड़ के पास में कहीं तो था मुझे ऐसा लगता है। मैं ग्रेनेड निकालता हूँ, अब राइट साइड से एक टैप टैप करके बंदा स्प्रे लेता है जो राइट वाले कंपाउंड है वहां से, तो मुझे ब्लड दिख जाता बंदे का। तो मैं बंदे को स्पॉट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक स्प्रे लेके इसको निपटा देते गाइस। यहाँ पे 10 आए थे, 8 किल्स हो चुके थे, अच्छे खासे किल्स हो चुके थे, बस टॉप 10 टॉप 5 का अभी देखते गाइस कि वहां पे सर्वाइव कर गए वहां तक, तो यार अच्छा खासा प्लस निकल जाएगा। सो गाइस अब टाइम आ चुका था जोन के अंदर जाने का, क्योंकि 15 सेकंड्स में जोन स्टार्ट हो रहा था और ये जोन बहुत डैमेज देगा। और ऐसे टाइम पे गाइस 1-2-2 करके नहीं जाना, गाड़ी उठा के ही जाना है जोन के अंदर। कंपाउंड में ठोको, रिस्क लो, ऐसे टाइम पे बिंदास ठोको। अगर आप रिस्क नहीं लोगे ना तो ओपन में ऐसे ही पड़ेगी यार, गाड़ी पे ज्यादा टाइम तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते, गाड़ी पे ज्यादा टाइम तक आप ऐसे राउंड नहीं मार सकते हो। कोई भी कंपाउंड जोन के अंदर है उस पर ठोको, वहाँ पे एक बंदा हो या दो बंदा हो वहाँ पे रिस्क लो, फाइट लो, या फिर कोई भी यार देखो आसपास तो बंदे काफी रहते हैं और कहीं भी कवर मिलना थोड़ा मुश्किल ही रहता है। फिलहाल यहाँ से मैं जा रहा रहता हूँ तो राइट साइड में मुझे फुटस्टेप आते बंदे का, तो मुझे लगता है स्प्रे आएगा बंदे का, बट अपन वहाँ से निकल लेते। अब यहाँ पे जो जोन था वो बनने वाला था, लेकिन गाइस यहाँ पे जैसे आता हूँ फ्री का किल था, इसको तो मैं निपटा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बंदा और था। टोटल 4 अलाइव था, जोन स्टार्ट हो चुका था और जोन अभी आप व्हाइट लाइन को टच होने वाला था। अब ये बंदा जो था ना ये ट्राई कर रहा था मेरे पे ग्रेनेड और यार क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा था बंदा। अभी नेक्स्ट वाला जो जोन था गाइस वो जा चुका था आगे साइड में, मतलब थोड़ा ही दूरी पे था, लेकिन यहाँ पे टॉप 10 अपना टॉप 5 हो चुका था। अब ये वाले बंदे के साथ में फाइट लेनी थी, लेकिन इस बंदे से देखो गाइस फाइट लेने में कितना पसीने निकल जाते, मतलब बंदा काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा था। अभी साले बंदे को मारने के लिए काफी माइंड यूज करना पड़ रहा था, बंदा नीचे नहीं आ रहा था ऊपर तो, और ऊपर ही बैठा हुआ था, बट जैसे मौका मिल रहा था बंदा स्प्रे ले रहा था मेरे पे। थोड़ा सा क्लोजिंग करना था तो बंदा करता थोड़ा सा मेरे पे पुश। अब यहाँ पे डर रहे तो ऐसे टाइम पे डर के नहीं खेलना गाइस, कॉन्फिडेंस रखना है और मूवमेंट स्पीड आपकी बनी रहे तो उस हिसाब से आपको खेलना है। अब यहाँ पे गाइस मुझे लगता है कि यार यहाँ पे से फाइट लेने में तो यार ऐसे टाइम चला जाएगा और भी टाइम लग जाएगा, तो व्हीकल उठा के निकल लेता हूँ, लेकिन सामने से पड़ती है मेरे को। अब इतना डैमेज होने के बाद में मुझे लगता है ये बंदा शायद मुझे पुश कर दे जो कंपाउंड वाला बंदा है, और जोन भी स्टार्ट होने वाला ही था, बट ये बंदा मेरे को पुश नहीं करता, मैं हेल्थ लगाता हूँ फटाफट। अब मुझे लगता है बंदा शायद से जंप कर दे, क्योंकि हेल्थ की साउंड लगेगी तो भाई बंदा मतलब जंप कर ही देगा, हेल्थ की साउंड सुनते ही बंदा जंप कर देगा और पुश कर देगा। तो यहाँ पे गाइस मैं मेड किल लगाता हूँ, अब मुझे डर था सामने साइड से विंडो से पड़े ना, बट बच गए थे अभी के लिए। फिलहाल जोन स्टार्ट होने वाला था 30 सेकंड से, अब मैं एक स्मोक डालता हूँ, जोन स्टार्ट हो चुका था तो मैं सोचता हूँ यार व्हीकल उठा के चल देते जोन की तरफ, व्हीकल उठाता हूँ मैं और लकीली यहाँ से निकल लेता हूँ, लेकिन राइट से पड़ती भी स्प्रे भी आता है। अब टोटल 3 आए थे, एक बंदा इधर मैं राउंड मार रहा था कि ऊपर साइड में कोई है तो नहीं, बट यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि यार जो दो बंदे थे लास्ट के वो भी नीचे साइड ही थे। अब यहाँ पे गाड़ी रुकाता हूँ तो तब तक यहाँ पे एक बंदा निपट जाता है प्ले जोन से, अब मैंने उस टाइम पे देखा नहीं था तो मुझे लगता है सामने साइड ही कहीं स्मोक के आसपास बंदा, क्योंकि स्प्रे जो आया था मेरे को फर्स्ट टाइम वहीं से आया था, वो ग्रेनेड भी उधर ही हुआ था, तो ग्रेनेड की साइड जो स्मोक है वहाँ पे मेरा फोकस रहता है। तो मैं उस वाले बंदे पे बस लास्ट वाला बंदा रहता उस पे फोकस करके बैठा रहता, ड्रिंक लगा लेता हूँ, रेडी हो जाता हूँ मैं। अब मुझे लगता है ये जो दो पेड़ है ना, ये जो सामने वाला पेड़ है स्मोक में और उसके आगे वाला जो पेड़ है वहाँ पे बंदा होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ग्रेनेड इतनी दूरी से आ रहा है, तो ग्रेनेड इतना दूरी पे इतने डिस्टेंस पे फट रहा है, तो मुझे लगा कि ग्रेनेड वो काफ़ी दूर से कर रहा है इसलिए यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा ग्रेनेड, और यहाँ से व्यू भी नहीं आ रहा था, बंदा दिख नहीं रहा था मुझे और स्मोक भी वहीं पर कर रहा था बंदा। लेकिन अब जो शॉट होने वाला है वो देखो बस, मतलब बंदा क्या ही माइंड यूज़ करके, रोटेशन देखो बस उसका कहाँ पर निकलता है बंदा। विजन ब्लॉक करने के लिए मैं स्मोक करता हूँ, लेकिन गाइस जो ये स्प्रे आता है लेफ्ट साइड से, मैंने ये सोचा नहीं था कि बंदा लेफ्ट साइड में आ चुका था और यहाँ से पूरा व्यू आ रहा था, मतलब बंदे ने स्पॉट कर लिया था वहाँ से, इजीली निपटा देता मेरे को वहाँ से यार, बट अपना हैशटैग 2 पे अच्छा खासा प्लस मिल जाता है गाइस यहाँ पे, 38 का प्लस नॉट बैड।
और प्लैटिनम 3 हो जाता है क्योंकि प्लैटिनम 5 से स्टार्ट किया था मैंने रैंक पुश करना। और आज मैं मॉर्निंग से ही लाइव स्ट्रीम करके रैंक पुश कर रहा था, आप लोग वहाँ पे भी आके एंजॉय कर सकते हो। शाम में भी 7 बजे आ जाऊंगा लाइव स्ट्रीम पे, तो जरूर आना गाइस। और आज का गेम प्ले कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। आई होप सो आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई हो, 6 घंटे कैसे स्पेंड करना वही बताया मैंने। से यार मिलते हैं बहुत जल्द आज शाम की स्ट्रीम पे। लाइक करके सब्सक्राइब करके प्यार दिखाओ, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। Can I be your superhero?